साथियों, अपने राजनीतिक अस्तित्व को खोने की बौखलाहट में ये महामिलावटी लोग आए दिन सुबह शाम ये चौकीदार को गाली देने में जुटे हैं। उनको मेरे काम से ज्यादा मेरे नाम से समस्या है। पहले चाय वाले इतिहास से उनको दिक्कत थी और अब चौकीदार से हो गई है। मैंने क्या किया, इससे ज्यादा उनको इस बात की चिंता है कि मैं कहां पैदा हुआ, किस परिवार और किस समाज से उठकर मैं ऊपर आया। यही गणित, यही एहसास दिलाने का प्रयास कदम कदम पर ये कर रहे हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। कांग्रेस के नामदार जगह जगह कहते फिर रहे हैं कि मोदी जैसे तो हम अमीरों के यहां चौकीदारी करते हैं। क्या ये शब्द शोभा देते हैं क्या? कांग्रेस के एक राग दरबारी मुझे शौचालय का चौकीदार बोल रहे हैं। शरद पवार जी की पार्टी के नेता चौकीदार को जाहिल बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इनकी महामिलावट के एक साथी कहते हैं कि मोदी को देश चलाना नहीं आता है। भाइयों और बहनों, देश कैसे चलना चाहिए? क्या वैसा चलना चाहिए था जैसा 2014 से पहले चल रहा था, जब जवान भी परेशान था, किसान भी परेशान था और नौजवान भी निराशा में डूबा था? यूरिया के लिए लंबी लंबी कतारें लगा करती थी, किसानों को लाठियां खानी पड़ती। विदर्भ के किसानों के लिए पैकेज घोषित होते थे, वो बिचौलियों की जेब में चले जाते थे। किसान के पानी के हजारों करोड़ रुपए एनसीपी और कांग्रेस के लोगों की जेब में चला जाता था। क्या देश ऐसे चलना चाहिए था? झीलों के शहर, इस शहर को जिन्होंने अपने कुशासन से बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दिया, क्या ऐसे देश चलना चाहिए था? कोसी खुर्द बांध, धापेवाड़ा और झांसीनगर परियोजनाओं के साथ इन्होंने जो बर्ताव किया, क्या ऐसे देश चलना चाहिए था? हम इन परियोजनाओं को पूरा कर रहे हैं जिससे यहां के किसानों की दिक्कत दूर की जा सके, इसका फायदा आपको मिलना शुरू भी हो गया। साथियों, मोदी को देश ने चौकीदारी दी तो उसके पीछे की भावना स्पष्ट थी। इसी भावना के अनुरूप काम करते हुए आपके इस चौकीदार ने धान, तूर सहित 22 फसलों का एमएसपी लागत का 1.5 गुना तय कर दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस एनसीपी की जब सरकार थी तो 5 वर्षों में महाराष्ट्र में इन्होंने जितनी दाल खरीदी उससे 15 गुना ज्यादा दाल ये चौकीदार की सरकार ने खरीदी है। और अभी हमारे देवेंद्र जी आंकड़े दे रहे थे कि उनके समय कितने कोटि का काम हुआ और इनके समय कितना कोटि का काम हुआ, हिसाब साफ साफ है भाई। इससे किसानों को तो अच्छे दाम मिले ही हैं, गरीबों को उचित मूल्य पर दाल भी उपलब्ध हो पाई है। साथियों, 2022 तक जब हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल होंगे, ये मेरा सपना है और आपके आशीर्वाद से पूरा भी होने वाला है। 2022 आजादी के जब 75 साल होंगे तब दो सपने मुझे पूरे करने हैं। एक, मेरे देश के किसानों की आय दोगुनी हो और दूसरा, हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा ना हो जिसको रहने के लिए पक्का घर ना हो। आपका वोट हर गरीब को घर देने वाला है और उस जब जिसको घर मिलेंगे उसके आशीर्वाद आपको मिलने वाले। किसानों की आय दोगुनी हो सके इसके लिए भी एक ऐतिहासिक फैसला
चौकीदार की सरकार ने किया है। पीएम किसान सम्मान योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए हर वर्ष करीब 12 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में जमा किया जा रहा है। इसमें गोंदिया सहित पूरे महाराष्ट्र के 1.25 करोड़ किसान परिवार है, इनमें से 16 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में पहली किस्त आ भी चुकी है और बाकियों के खाते में भी जल्द ही पैसे पहुंच जाएंगे।